हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम एक होर वीडियो दे विच हिंदी दी। तां अज आपां करन जा रहे हैं, पहलां दस दिना मैं रिमाइंड करा दिना थोनू कि आपां की कर चुके हैं। ठीक है, आपां कर चुके हैं भाषा और लिपि वाला टॉपिक। इस सब तो पहलां थोड़े सिलेबस दे विच हैगा भाषा और लिपि वाला। ठीक है, इन दी MCQ भी कर ले, डेफिनेशनस भी कर लिया, थोनू सारा कुछ समझा भी दिता कि कहड़े कहड़े पॉइंट हैं इहदे विच। हुण आ गया अपना वर्ण विचार चली जांदा। वर्ण विचार दे विच दो इंदे रूप है मेन, जा कह लो भाग है गया। एक है गया अपना स्वर ते एक है गया व्यंजन वाला। तो स्वर आपां थ्योरी इंदी कर चुके हैं कि केड़ियां केड़ियां चीज़ां आंदियां, केड़े केड़े इंदे पार्ट्स है, हर्ष दीर्घ ह्रस्व मूल हरेक चीज़ पढ़ चुके हैं। जिहड़े बच्चे नहीं पढ़ी पहलां वो देख लो। हुण अज आपां करना है व्यंजन। दो चार पॉइंट है पहलां सुन लो। व्यंजन दे विच पहलां घट्टो घट ज़्यादा ज़्यादा नहीं तो 10 वीडियो मान के चलो अपन बन जाएगियाँ। ठीक है, बहुत वधिया वे नाल कराऊंगा मैं, गरंटी करदा इस गल की 100% कि इन्निया वधिया चीज़ां कराऊंगा तुसी इस तो पहला कदे नहीं कीतियां होनियां। ते नाले एक होर चीज़ की गरंटी है कि पूरियां ते पूरियां समझ आनगियां। बस कराऊंगा किवें थ्योरी है जिहड़ी, आपां थोड़े थोड़े टाइम च कंप्लीट करांगे। जिवें 20 मिनट की लैक्चर ला लिया, 30 मिनट के अप्रोक्सीमेटली लैक्चर ला लिया, 15 मिनट का ला लिया, पर थोनों मैं टॉपिक तो टॉपिक वाइज कराऊंगा। मतलब उन्होंने एक मूवी टाइप चलूगा कि एक चीज़ नाल दूजी चीज़ जुड़ूगी ही जुड़ूगी। ये नहीं कि हुण मैं थोड़ा होर कुछ कराता, अगले होर कराता, फिर थर्ड वाले चेंदे नाल रलदा मिलदा करावा, सैकेंड वाला तुसी भुल जाओ। नहीं, आप सारी चीज़ रलदी मिलदी करांगे। तो एक होर इहदे नाल चीज़ हैगी है, व्यंजन कंप्लीट होने तो बाद वर्ण विचार दे घट्टो घट 150 MCQ। तो जे वर्ण विचार के टॉपिक दे विचों कोई भी क्वेश्चन आया 150 दे विचों ही आ जाऊ। इन्ने ज़्यादा वधिया तुसी खुद ब खुद आंसर करोगे, सर ये भी आंदा ये भी आंदा। जे हुण तुहानू पुछ ले, हुण तुहानू 150 चो दो ही आणगे, ते जदों मैं इस करान तो बाद पुछूंगा उदों 150 चो 150 ही आंदा होगा। चलो आपां शुरू करदे हां बिना टाइम वेस्ट कीते। लो हुण देखो, फस्ट ध्यान नाल समझ लियो सारे बच्चे, आपां करना की है, टॉपिक कहड़ा अपने कोले व्यंजन। ठीक है, मैं बड़े आराम नाल समझाऊंगा, कोई आपां नूं काली नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। स्वर तां पता किन्ने हुंदे आ, 11। ये चीज़ों पर भी जमा व्यंजन के लास्ट से आप गल करांगे, एक स्पैशल वीडियो दूंगा, तुसी कदे नहीं भुलोंगे केड़े 52 54 है, केड़े 34 44 है, 33 है, 11 है, सारी चीज़ दसूँगा। पर पहला हुण जिहड़ा मूल अपने मन्ने जांदे है वो अपने किन्ने मन्ने जांदे है, 33। ठीक है, व्यंजन किन्ने अपने 33। हुण उस तो बाद हुण आपां व्यंजनां तो बाद इन्हां दे वर्ग भी आते हैं। ठीक है, सारी वर्गों बारे गल करांगे, उन्हां विचों किहड़े क्वेश्चन बनते हैं वह भी गल करांगे। हुण अज आपां स्टार्ट कित्थों करना है, व्यंजन तां हो गया शुरू। हुण देखो व्यंजना दे विच एक चीज़ आती है आ वाली लाइन। ठीक है, हुण देखण च तुहानूं समझ नहीं आई जांदा होना, पर जदों मैं हुण कंसैप्ट क्लीयर करन लग्गा सारा समझ आ जाऊगा। देखो इहनूं ध्यान नाल समझ लिओ, पहलां मैं रेज करदा इहनूं। ठीक है, जिहड़ा कुछ भी फालतू लिखा है हुण मैं पॉइंट टू पॉइंट एक चार्ट बना के समझाऊंगा। लाइन हैगी अपने को वाली। ठीक है, हुण देखो ये लाइन केड़ी है, जिवें आपां क, ठीक है, हुण जिवें मैं क नूं मटेता इत्थों, लो पहलां मैं दोबारा पा दा, हुण जिवें आ क नूं मटेता इत्थों, आ लाइन केड़ी बन गई, सेम टू सेम हो गई। यही लाइन दी मैं गल कर रहा, इहनूं कहिंदे की है हिंदी दे विच। देखो जिहड़ी तां उपर वाली है, ध्यान नाल सुन लिओ, जिहड़ा बच्चा लिख रहा लिखना बंद कर दो, जिहड़ा बच्चा कमेंट कर रहा कमेंट करना भी एक करी बंद कर दो। सिर्फ ते सिर्फ स्क्रीन वड्डी करके 5 या 10 मिनट आ कंसैप्ट समझ लो। जे विचों एक भी पॉइंट मिस हो गया थोनू सारा कंसैप्ट समझ नहीं आना। ना मैं हुण कोई होर गल करनी है, सिर्फ आ कंसैप्ट बारे डिटेल दे विच गल करांगे। जदों खत्म होया कंसैप्ट उदों बाद नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करन तो बाद पहलां फिर आपां विच गल करांगे। ठीक है, हुण ध्यान नाल कल्ला कंसैप्ट समझ लो, स्क्रीन वड्डी कर लो अपनी। हुण देखो जिहड़ी आ उपर वाली लाइन है, इनू आपां की कहने हैं, शीरो रेखा। ठीक है, इनू कहने हैं शीरो रेखा। उपरली लाइन का नाम पता लग गया। नैक्सट है इनू की कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, इनू कहते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई। लो इन्ना छोटी जी डिटेल क्लीयर हो गई। उपरली नू कहते हैं शीरो रेखा, तो जिहड़ी लाइन एक सीधी लंबी वजी हुंदी है उहनू कहिंदे खड़ी पाई। उपर वाली नूं शिरो रेखा ते नीचे वाली नूं कहिंदे खड़ी पाई। हुण आपां चलदे हां अगे। देखो
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਰੋ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਸ, ਅਨੁਸੰਵਾਰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਨੁਸੰਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਨੁਸੰਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰੋ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਨੁਸਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਸਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 11। ਲਓ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨੁਸਵਾਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਰੋ ਰੇਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੁਸਵਾਰ। ਅਨੁਸਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? 11 ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨਲੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਸਵਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਰੋ ਰੇਖਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਰੋ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ 11 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 11 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੁਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸਵਾਰ, 11 ਨਾਲ ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੁਕਤਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਆ ਇਹ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਨੁਕਤਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੁਕਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨੁਕਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 5 ਵਰਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 5 ਵਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਖ, ਗ, ਜ ਅਤੇ ਫ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਸਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨੁਕਤਾ ਵਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ? ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਗਾ ਤਾ ਆਪਾਂ? ਨੁਕਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨੁਕਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
की बन गए ये। हुण देखो नुक्ता लगन दुबारा फिर सुन लो, जिहड़ा लैफ्ट वाला पॉइंट उहनूं कहिंदे नुक्ता, अरबी फारसी भाषा का हुंदा इह। अपने कोल पंज हिंदी दे वर्ण है जिन्हां ते लगदा, जे कोई पुछ भी लवे कि नुक्ता किन्ने वर्णा ते लगदा हिंदी विच, तां उहदा आंसर आऊ अपने कोल पंज। ठीक है, नुक्ता लगन तो बाद जदों नुक्ता लग जांदा, जदों नुक्ता लग जांदा तां इह किहड़ी भाषा दे बन जांदे है, अरबी फारसी दे। ठीक है, उत्थे ऑप्शन दे विच अरबी फारसी पाए तां वी इकट्ठा आऊगा, जे अरबी कल्ला पाए तां वी, जे फारसी पाए तां वी आंसर आऊगा। ठीक है, अरबी ते फारसी दे बन जांदे है। हुण देखो एक होर निक्की चीज़ डिटेल दे विच दस दिंदा, याद कर सकदे हो तुसीं, इह आपां नूं किन्ने सिधांत दित्ता सी इह, या किन्ने कहा सी कि इह अरबी ते फारसी दे बन जांदे है, क दे विच नुक्ता लाउण ते ख ते ग ते ज ते फ ते, ते इह कहा सीगा आपां नूं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, नोट कर लिओ नाम, जनरल नॉलेज वास्ते है, जे पूछा भी जाए तो फिर तो होर सुनने तो सुहाग है, थोनों मैं नॉलेज बधाने वास्ते है। शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, सितारे हिंद। लो हुण आपां चलदे हां अगे, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दिंदा अगले दो पॉइंट ते जाण तों पहलां। उपर वाला जिहड़ा शिरोरेखा दे अनुस्वर 11 स्वरां दे नाल यूज़ हुंदा है, नीचे आ के लैफ्ट ते है जिहड़ा उह नुक्ता है, अरबी फारसी भाषा दा शब्द है, उह जिहड़ा पॉइंट है सॉरी। ठीक है, अरबी ते फारसी भाषा दा हिंदी विच किहड़े वर्ण है जिन्हां नाल लगदा, क ख ग ज फ, जदों इहनां नाल लग जांदा तां इह कादे बन जांदे, फिर अरबी ते फारसी भाषा दे बन जांदे है। ठीक है, ते इह किन्ने कहा सीगा जां किन्ने कढ़िया सी इह, तां राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने कहा सी कि अरबी ते फारसी भाषा दे बन जांदे है। क्लीयर है हुण कि इन्हां ने कहा सी कि नुक्ता लगन नाल इह पंज अरबी जां फारसी दे मन्ने जाणगे। तुहानूं मैनूं लगदा हुण किसे बच्चे नूं डाउट होगा। हुण चलदे आपां नैक्सट वाल, लो हुण आ गए आ वाले पॉइंट ते, जिहड़ा लगदा अपने कोले नीचे लाइन दे नाल राइट वाली साइड ते। ठीक है, इहनूं आपां की कहिंदे आ, पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है, इहनूं की कहिंदे आपां, पंचमाक्षर बिंदु। लो पंचमाक्षर बिंदु, ठीक है, इहनूं की कहिंदे आ, पंचमाक्षर बिंदु। हुण देखो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ठीक है, दो तरह नाल पूछा जा सकता इहदा एमसीक्यू, मैं बनाऊंगा पूछूंगा भी, हुण तुहानूं मैं सिर्फ माइंड च बिठाने वास्ते दसी जांदा। राइट वाले नूं की कहिंदे आ, पंचम अक्षर बिंदु। ठीक है, ये किन्ने जे पूछा जाए वर्णा ते लगदा, ठीक है, ये लगदा अपने कोल एक ते, सिर्फ एक ते। किहड़े ते लगदा, दो तरह नाल पूछा जा सकदा, एक तां आंसर दे विच होऊगा क वर्ग दा, ठीक है, पांचवा वर्ण, क वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, या इत्थे सीधा आंसर दे विच पाया होगा किन्ने नाल लगदा, ड नाल, जिहनूं तुसीं ड कह दिंदे आ। ठीक है, क्लीयर है, इहनूं की कहिंदे आ, पंचमाक्षर बिंदु। किन्ने नाल लगदा, क वर्ग दा पंजवा। ठीक है, क वर्ग केड़ा अपना, क ख ग ग्य, ठीक है, ए वाले नाल, ते इंदे विच जिहड़ा पंजवें नंबर दा अपने कोल अक्षर है वर्ण है उहदे नाल इह लगदा, की लगदा, पंचमाक्षर बिंदु। क्लीयर हो गए हुण तीनों बिंदु। हुण चलदे आपां नैक्सट, नैक्सट मोस्ट इंपोर्टेंट है तुहाडा, ये ध्यान रखना तुसीं इहदा। देखो हुण चलदे आपां इहदे नाल, चलदे आ चौथे पॉइंट वाल, आई थिंक मैं मटे दिना या थोनों अगे नैक्सट पेज पर करा दिना। ये स्क्रीनशॉट लेना जिहड़ा बच्चा लै सकदा, पर मैं ये नहीं थोनों सलाह दूंगा कि स्क्रीनशॉट लो, तां कह रहे कई बच्चों हुंदा कि चलो टाइम नहीं हैगी, टाइम कंज्यूम असी कट कर लांगे, मैं थोनों ये रह नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि देखो जे मैं थोनों फोटो भी जे मैं लिख के थोनों भेजदा PDF बना के, तुसीं कदे भी नहीं पढ़ोगे। जे हुण सोचो कि मैं ऐ ते ऐ ही लिख के ले आंदा, जिवें आ पूरा प्रोपर लिखा होया, ठीक है, आ समझो आ पूरा प्रोपर लिखा होया। देखो आप चलते हैं चौथे पॉइंट से भी, पहला थोनों मैं एक बेसिक जी चीज़ दसदा, जिहड़े बच्चों का काफ़ियों का वहम हुंदा है। हुण देखो मेरा लिखण का रीज़न की है कि मैंने PDF बनानी कोई औखी नहीं लगती, क्योंकि पिछले साल आप बहुत PDF बनाइया। हुण लिखो, हुण देखो जे मैं सीधा समझो थोड़े सामने लिया, तुसीं पहलां उलझे जाना सर आ की गंद मारिया, ठीक है, दूजा पॉइंट थोड़े दिमाग च आना सी कि इहनूं याद किवें करिए। हुण मैं एक एक पॉइंट क्लीयर कर रहा, तो हुण थोड़े दिमाग च काफ़ी बच्चों के जिहड़े ध्यान नाल सुन रहे हैं, 99% दिमाग च बैठ गया होना, तो हुण इहनूं 100% किवें करना,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ, ਅਤੇ 101% ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਇਹ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰੋ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਖੜੀ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਰੋ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਖੜੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, 11 ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, 5 ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, 1 ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਸ਼ਿਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਉਤਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੰਨ, ਬਿੰਦੂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਿਪਤ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਬਸ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਦਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਬਣਾਊਂਗਾ ਇਹਦਾ, ਬਣਾਊਂਗਾ ਹੀ ਪੱਕਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਿਪਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾੜਨ ਜਾਤ। ਤਾੜਨ ਜਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਾੜਨ ਜਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਤਾੜਨ ਜਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾੜਨ ਜਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਸ਼ਿਪਤ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰੇਅਰ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫੇਕਾ ਹੂਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਕਾ ਹੂਆ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਲੇ ਵਰਨ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੇਕਾ ਹੂਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਦੋ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੋ ਵਰਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਯੂਜ਼ ਹੋਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਓ ਦੋ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਟ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਵਰਨ ਹੈ, ਵਰਨ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ੜ ਅਤੇ ਢ ਨਾਲ, ੜ ਅਤੇ ਢ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਸ਼ਿਪਤ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਤਾੜਨ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਫੇਕਾ ਹੂਆ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੇਕਾ ਹੂਆ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ।
एक होर पहला सुन लो फिर मैं थोड़ा रिपीट कराना। एक तो जी जे पूछा जाए अरबी फारसी भाषा की अपनी लिपि कि है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता कि जमें। एक होर चीज़ थोन दस दिना कि 15 नंबर के बच्चों 3 क्वेश्चन तो यहोजे हो गए जे सीधे सीधे पे हो जिमें मैं कराए ता कह रहे हैं, क्योंकि सिंपल आने सारे ही इन्हों सिंपल कह रहे हैं कि जेडे मैं कराते उन्होंने 3 4 5 भी ला लो उवें पे हो जिमें मैं कराऊंगा। तो बाकी जेडे 10 क्वेश्चन है वो उवें पे हो जिमें आंसर में क्वेश्चन कर सकते हैं या मेरे ह नू चक के पिछे रख सकते हैं, पर पे इन्हों विचों ही मिलने। थोनों बहुत मज़ा आऊगा हिंदी करने, अज वाला कंसैप्ट वेख लो एदू ज़्यादा वधिया ते डिटेल्ड कंसैप्ट करांगे आपां। क्लीयर है? हिंदी अरबी ते फारसी की जिहड़ी अपनी लिपि पूछी जाए तो अपना की आऊगा अरबी वाली लिपि, ठीक है, सब्जी वाली अरबी लिपि। क्लीयर हो रहा कंसैप्ट? चारों बिंदु मैं दसते बहुत मिल लगता, 90% बच्चों का क्लीयर ही नहीं होने से बिंदु, बस ये देख लेंगे लगे है किमें लगे है की नाम है कि लगते कुछ नहीं पता होना। हूँ आप चलते हैं फिर पिछे थोड़ा मैं रिपीट करा दा, लो पिछे फिर देख लो एक बार, फिर आप करते हैं समाप्त। हूँ एक चीज़ तो ज़्यादा फोकस रहा साडा वैसे भी, बाकियों कदे ध्यान नहीं दिता किसी का भी। असं ये चाहते हैं कि सकिजा ट्यूशन चैनल से थोड़ा इन्ना ज़्यादा वधिया मटीरियल मिल जाए कि थोड़ा पेड क्लासा तो भुल ही जाओ कि किसी पास भी जाना। आप असी हैल्प जिनी ज़्यादा हो सके बच्चों की, जिमें क्वारंटाइन या यह जी सिचुएशन है, काफ़ी व्यक्ति है जेडे किसी बहुत तरह की हैल्प कर रहे हैं, कोई मेडिसन दे के कर रहा है, कोई किमें किसी की हैल्प कर रहा है, कोई राशन दे के कर रहा, पर असी चाहते हैं कि असी हम स्टडी दे के जेडे बच्चों ने एग्जाम भरना उन्होंने स्टडी दे के हैल्प कर सकी, स्टडी देिए पूरी क्वालिटी वाली, ठीक है, सिर्फ सिर्फ क्वालिटी वाली। ये नहीं कि मैं थोड़े सामने आ सारा पेज लिख लिया आ फिर उवें उवें देख के बोलता इनू आ कहें आ कहें, फिर थोड़ी नहीं समझ लगनी। तो बाद हम मेरा पढ़ाने का फायदा कि आप मिनट भी लाने, तुम भी मैं आपका कीमती समय दे रहे हो, ठीक है। तो हम अपने को लाइक शेयर कमेंट ना करया करो भला, ठीक है, बस समझ लिया करो ध्यान नाल, सिर्फ समझ लिया करो जिहड़ी चीज़ मैं पढ़ा रहा उन्होंने उद बाद दोबारा वीडियो देख के तो लिख लिया करो, ठीक है। मैंने कोई वो नहीं कि लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा तो ज़्यादा करो, तुम भला कोई भी ना करो, बस समझ लो जेडे बच्चे अपना कीमती समा दे रहे हो वो कीमती समा कड के आए हो, तो किसी गल पिछे आए हो, जो थोड़ा इंट्रस्ट है सीखना चाहते हैं तो बस वो कह लो कि जो 20-30 मिनट दिते हैं तो उन्होंने जोड़ा मैं वैल्यू दे रहा 100% लैके जाओ, कोई भी पॉइंट मिस ना करो। फिर आप रिपीट करते हैं जी अपने को लाइन है इनू की आप कहने शिरोरेखा, ठीक है, इन्हें नीचे वाली खड़ी पाई, तो शिरोरेखा के उत्ते एक पॉइंट लगता है, नीचे लगता है, लैफ्ट लगता है, राइट लगता है। उपर वाले कहें अनुस्वर 11 स्वर लगता है, लैफ्ट वाला नुक्ता है 5 लगता है, अरबी फारसी भाषा का जेडे 5 कि क ख ग ज प नुक्ता लग गया जाता है, ये अरबी फारसी भाषा के बन जाते हैं। किन्ने कहा कि बन जाएंगे ये लग के नुक्ता, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने कहा, जेड़ा राइट वाला है वह पंचम अक्षर बिंदु है, वह क वर्ग का जोड़ा 5वां वर्ण है, क वर्ग का फस्ट वाली लाइन का व्यंजन द 5वें वाला वर्ण है जोड़ा उनके नाल लगता सिर्फ एक नाल, ठीक है। हुण चलते हैं अपन नैक्सट, नैक्सट अपने को आ गया 4था बिंदु, ठीक है, 4था बिंदु अपना आ गया, सॉरी ये बेचारे मिक्स ही हो गए सारे, लो इन्होंने मैं सैट कर ही लव, लो हुण आ गया अपना 4थे वाला बिंदु, ठीक है। 4थे वाले बिंदु नूं आपां की कहिंदे आ, लेंथी सी ताई मैं लास्ट डिटेल दे विच कराया, इहनूं कहिंदे उत्क्षिप चिन्ह, ताड़न जा चिन्ह या फेका हुआ। फेका हुआ तो मेरे ने दसता सी ये लगता सिर्फ तो सिर्फ 2 वर्णा नाल, किहड़े किहड़े आ, ट वर्ग दे आ 3जे नंबर वाला ते 4थे नंबर वाला, ड ते ढ, ये जदों लग जांदा तो उदों ऐ लगता फेक रहे आ मूँह विच्चों बाहर कढ के जिहड़ी अपनी जीव है, ठीक है। अरबी ते फारसी दी लिपि किहड़ी है? अरबी वाली। हुण देखो इन दे विच की है, एक चीज़ नोट कर लियो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, वो वैसे तो सारिया इंपोर्टेंट है पर फिर भी इन दे विचों एक चीज़ याद कर लियो, जे थोनू कोई भी पूछे कोई भी मतलब भला दी कोई प्रोफेसर है टीचर है कोई MCQ पूछ लिया इंदा किन्ने हार्ड लेवल च MCQ पूछ लैन किन्ने लो लेवल च पूछ लैन कोई बच्चा पूछ ले कदे भी हिंदी दे विच, हिंदी दे विच, ठीक है, इन्हां दोनों वर्णा नाल कदे भी कोई स्पैलिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये दोवें दिमाग च बिठा लो, ड वाला ते ड वाला जिन्हां दे नीचे की लग्या है ताड़न जात चिन्ह लग्या होया, इन्हां दोनां नाल हिंदी भाषा दे विच देवनागरी लिपि दे विच कोई भी वर्ड है जिहड़ा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जिहड़ा तुसीं साहित कह लो किसी भी डिक्शनरी कह लो वर्ड ही नहीं स्टार्ट हुंदा। एक होर चीज़ नोट कर लियो, कदे भी इन्हां नूं कभी भी
इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता, नहीं किया किया तो रहेगी मुँह, नहीं किया जा सकता, ठीक है, कभी भी इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। अब दो पॉइंट दिमाग च बिठा लो, उत्क्षिप्त चिन्ह लैके ताड़न जात चिन्ह का दूसरा नाम है, जे पूछ लें ताड़न जात चिन्ह का दूसरा नाम फिर तुम वह ला देना, ठीक है। जिहड़ा इहदा बेसिक कंसैप्ट अपना फेका हुआ चिन्हों का दसता थोनों मैं, उपर वाला लगता 11 नाल, 5 नाल, 1 नाल ते 2 नाल। एक चीज़ समझ लो, ये सर स्टार्टिंग है, वर्ण विचार इन्ना मजे नाल करोगे तुसी कहोगे सर ये खत्म क्यों हो गया, फिर आप करांगे शब्द विचार इन्हां दे एमसीक्यू करन तो बाद, थोड़ा टेस्ट लैन तो बाद, 150 एमसीक्यू, 150 तो 20 प्लस एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू कराउन तो बाद, भाषा वाला जिवें कीता उदू ज़्यादा वधिया होर ढंग नाल आपां करांगे तां जरूर। चलो एक होर चीज़ नोट कर लियो फिर खत्म करने तो पहला लैक्चर अज सारा कुछ, बस निक्की निक्की डिटेल ना भूल जाओ कोई, ये नहीं गा कि थोड़ा मैं सिर्फ फालतू कराई ना, एग्जाम च पूछे जा सकते उ करा रहे हैं, जो आप ज़्यादा डिटेल चले गए फिर तो थोड़ा कला स्वर ही नहीं खत्म होना सी अजे तक। लो थोड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में देख के थोड़े सिलेबस में देखते हुए उमें करा रहे हैं आप हिंदी के, पर कंसैप्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा आप सारे, ठीक है, बाहर कोई भी नहीं करना। जोड़ा अपना अवल है ये याद रखने तुम, इन रिलेटड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अनुस्वार किन्दे नाल लग्या होया जिहड़ा अपना फस्ट वाला, ठीक है, अनुस्वर कहिंदे आ, याद आ गया क्यों कहिंदे आ। हुण देखो तुहानूं मैं स्टार्टिंग च दस्या सी स्वर स्टार्ट होण तों पहलां, अज पता लग गया कि क्यों इहनूं अनुस्वर कहिंदे आ, इह की है विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। क्लीयर हो रही चीज़ां हुण, तो इन्हां दोवां नूं की कहिंदे आपां, इन्हां दोवां नूं आपां की कहिंदे आ, इह क्वेश्चन तां बहुत इंपोर्टेंट है कि इन्हां दोवां नूं की कहिंदे आ, योग वाह, ठीक है, की है यह अनुस्वर, स्वर के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। चलो दस्यो किवें लग्या अज दा लैक्चर, बस कंसैप्ट 100% क्लीयर कर लिया करो। जे इस वीडियो दे विचों कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स बनया कमेंट करके पूछ लियो, जे कोई होर डाउट होवे तो भी पूछ लियो। बस एक चीज़ ना दिमाग च लिया करो पहला, हुण देखो जिवें आपां की है अज आपां कंसैप्ट कीता क्लीयर आ वाला शिरो रेखा खड़ी वाला, ठीक है, बिंदुआ वाला किया, तो इदू अगे जे कंसैप्ट आने उन्होंने लैके ना क्वेश्चन पूछने लग जाओ, क्योंकि मैं करवाऊंगा, वो बेफिक्र हो जाओ, मेरी सिरदर्दी है कि उन्होंने मैं थोड़ा किमें क्लीयर कराना, किमें बच्चों समझाना, बस ये मैंने अज वाले का दस के जायो कि किमें का लग गया। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के कल वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।